जयशंकर प्रसाद की यह कविता अरुण यह देश मधुमय देश मेरे मन को छू जाती है। भारत की संस्कृति, भारत की महानता, भारत की श्रेष्ठता, ये सब हमारे लिए इस कविता के माध्यम से देखने को मिल जाता है। ये सच में कविता देश की गरिमा को महानता के शिखर पर ले जाने के लिए लिखी गई है। ग्रीक के सम्राट की मातृविहीन पुत्री कार्नेलिया के कदम इस धरती पर रखते ही इसकी महानता की झलक हमें देखने को मिलती है। कवि ने इसे अपने शब्दों में संवारा है, सजाया है। यहां पर इस कविता के माध्यम से यहां की प्रकृति, यहां की नदियां, यहां के पेड़ पौधे, वन और यहां का खान खजाना सब कुछ दर्शाने में बहुत प्रयास किया है, सफलता पाई है। भारतीय गौरव की वंदना इसी कविता के माध्यम से करने में बड़ा प्रयास हुआ है। इस कविता के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि देश के प्रति अपने सहज स्नेह युक्त भावों की संस्तुति इसमें हुई है। मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। कार्नेलिया के ही शब्दों से हम इसे व्यक्त कर सकते हैं कि यहां के श्याम कुंज, घने जंगल, तारिकाओं की माला पहने हुए शैल श्रेणी, इनके साथ हरी भरी धरती, यहां की वर्षा, गर्मी की चांदनी, शीतकाल की धूप हमें मंत्रमुग्ध बना देती है। इतना ही नहीं, इस देश की धरती पर जीवित रहने वाले कृषक समाज, उनकी मेहनत, उनके द्वारा दिया गया अन्न, ये हमारे लिए एक भगवान का प्रसाद माना गया है। सरस कृषक बालिकाएं बाल्यकाल की सुनी हुई कहानियों की जीवित प्रतिमाएं आज भी अपनी पुरानी गाथाओं को प्रस्तुत करने में सफल हुई हैं। ये सपनों का देश है, इसीलिए इस देश को सोने की चिड़िया भी कहा गया है। इस देश में किसी भी वस्तुओं की कमी नहीं रही है। जहां पर भी कदम रखें वो इस भारतीय मानवता के लिए सभी जगह स्वर्ग के समान आदिदीप्यमान है। ये त्याग और ज्ञान का पालना है, ये प्रेम की रंग भूमि भारतवर्ष क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। यह तो अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है भारत, मानवता की जन्मभूमि है भारत, मानवता की
जन्मभूमि है। इस कविता के माध्यम से हमारे नवयुवकों में देश प्रेम की भावना को जगाने का भरसक प्रयास किया गया है। इस देश में किसी की कमी नहीं है, जहां पर भी हाथ लगाएं वो सोना बन जाती है। इसीलिए अपने देश से प्यारा और कुछ नहीं। तो इस कविता के माध्यम से हमें ये देखने को मिलता है, जब बाहर के लोग ही अपने देश की महानता का इतना बड़ा गुणगान किया है, तो हम इस देशवासियों के लिए और भी गर्व करने की बड़ी बात हमें महसूस करना है। तो मैं इस कविता के माध्यम से चंद विशेषताओं को भी आपके सामने में प्रस्तुत करना चाहता हूं। कवि की भाषा सरस, सरल, संस्कृत शब्दों से निहित, अनेक भावनाओं को व्यक्त करने वाली, विशेष रूप से यहां हम इसकी प्रधानता को देख सकते हैं। इस काव्य में, इस कविता में संस्कृत शब्दों से सवरने के साथ साथ देश की महानता को भी यहां प्रकाशित किया गया है। कविता भारत की अपार गरिमा पर प्रकाशित है। यहां पर प्राकृतिक दृश्यों का संगम बनाया है। ये एक प्रकार से मानवता का संदेश कदम कदम पर, मानवता का संदेश कदम कदम पर दर्शाने के लिए योग्य है, दर्शाया गया है। कृषक समाज की महानता, कृषक समाज की महानता, स्नेह एवं बंधुत्व की भावना का मिलन मजबूत किया है। संस्कृति की पहचान करें कराने में कभी कभी पीछे नहीं हटा है, उसे जबरदस्ती से जकड़कर इस महानता को हमारे ही संस्कृति में बचाए रखने के लिए कोशिश किया है। तो ये कविता हमारे देश से संबंधित और देश की महानता से संबंधित, देश की संस्कृति को बचाने से संबंधित विचारधाराओं को रखने में कवि का प्रयास सफल हुआ है। ये मेरे लिए और मेरे भारतवासियों के लिए ये कविता सचमुच रोचक है, संगम है। सभी भारतवासियों के दिलों में देश के प्रति प्रेम जगाने के लिए एक अपूर्व संगम बना दिया है। धन्यवाद।